हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। जैसा कि आज रॉ का धमाकेदार एपिसोड देखने को मिला जिसमें काफी कुछ दिखा, बट बातें इस पूरे एपिसोड में दो ही सेगमेंट्स की हो रही हैं, जिसमें पहला रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकइंटायर के बीच दिखा बवाल और रेट्रीब्यूशन का रे मिस्टीरियो और डोमिनिक पाप बेटे पर अटैक। रिसेंट के रॉक के एपिसोड में WWE ने एक बड़ी हिंट भी दी है रोमन रेंस को लेकर के। इन सभी के बारे में बात करेंगे, वो भी डिटेल्स में। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो पहले जगह। शुरुआत करते हैं आज के रॉक से। तो ओपनिंग में ड्रू मैकइंटायर हमें एक सेगमेंट में दिखाई दिए जो रैंडी ऑर्टन पर अपनी जीत से काफी खुश थे। ड्रू मैकइंटायर की एज अ चैंपियन थंडर डोम में एंट्री जबरदस्त दिखाई दी। उन्होंने आके रिंग में कहा कि रैंडी ऑर्टन से कंपेयर करें तो मैं जीत के लिए ज्यादा भूखा था और उससे एक कदम आगे रहकर मैं पूरी तरह से तैयार था। मैं जानता हूं रैंडी ऑर्टन बेहतर है, बट उससे बेहतर समरस्लैम में मैं निकला। ड्रू मैकइंटायर बैक टू बैक रैंडी ऑर्टन पर बातों से हमले किए जा रहे थे, जिससे ये साफ दिखा कि इन दोनों के बीच अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। ड्रू मैकइंटायर ने रैंडी ऑर्टन को याद दिलाते हुए कहा कि मैंने अब तक का सबसे बड़ा मैच जीता है और रैंडी ऑर्टन अब तक का सबसे ग्रेटेस्ट रेसलर है, तो अब रैंडी ऑर्टन को हरा के मैं ग्रेटेस्ट रेसलर बन चुका हूँ। ड्रू मैकइंटायर कहते हैं मैं तैयार हूँ नेक्स्ट अपोनेंट के लिए, बट मुझे लगता नहीं है कि रैंडी ऑर्टन चीजों को जाने देगा। इतना कहकर ड्रू मैकइंटायर रिंग से निकलकर स्टेज पर खड़े होकर अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, तभी पीछे से आके रैंडी ऑर्टन ने ड्रू मैकइंटायर पर अटैक कर दिया और जम के उनमें मार दी, और मारते मारते उन्हें बैक स्टेज जहां सुपरस्टार की एंट्री होती है वहां ले जाके भी मारा। इसके बाद बैक टू बैक रैंडी ऑर्टन ने ड्रू मैकइंटायर को दो पंट किक देके ढेर कर दिया। हालांकि ड्रू मैकइंटायर उसके बाद खुद से उठ के वहां से गए। इसके बाद कुछ मैचेस दिखाई दिए और फिर हमें रैंडी ऑर्टन काफी कॉन्फिडेंट होकर रिंग में एंट्री करते हुए दिखाई दिए। रैंडी ऑर्टन ने समरस्लैम में फेल होने के बारे में बात करी। रैंडी ऑर्टन ने यह भी कहा कि मैं एक वर्ल्ड पे रहने वाला आदमी हूँ, मैंने समरस्लैम में जाने से पहले काफी लेजेंड्स को मसल कर रख दिया है, इसलिए मैं लेजेंड किलर हूँ और ड्रू मैकइंटायर खुद को ग्रेटेस्ट बताता है। तभी NXT के कीथ ली उन्हें इंटरप्ट करते हैं और आके कहते हैं कि मैं अपने आप को तुम्हें ठीक से इंट्रोड्यूस कर दूं। मैं कीथ ली हूं और मैं तुम्हें एक प्रिविलेज देता हूं कि जो भी तुम कर रहे हो उसे रोक दो और मेरा सपोर्ट करो। तुम्हें कई नाम से बुलाया गया, जैसे कि लेजेंड किलर, वाइपर, बट मैं लिमिटलेस हूं। कीथ ली ने इसके बाद रैंडी ऑर्टन के सामने मैच की डिमांड रखी। हालांकि रैंडी ऑर्टन एग्री नहीं होते हैं और रिंग को छोड़कर चले जाते हैं। फिर जैसे जैसे शो आगे बढ़ा उसमें काफी कुछ देखने को मिला और फिर आगे जाके हमें रैंडी ऑर्टन वर्सेस कीथ ली के बीच मैच दिखी गया। दोनों मैच में काफी अच्छे और जबरदस्त नजर आ रहे थे। मैच बिल्कुल एंड होने को था, रैंडी ऑर्टन RKO को रेडी थे, पर तभी ड्रू मैकइंटायर ने आके रैंडी ऑर्टन का पैर खींच के बाहर निकाल के उन पर अटैक करा और उन्हें बैरिकेड में दे मारा, बट रैंडी ऑर्टन बच के निकल कर भाग जाते हैं। बैक स्टेज ड्रू मैकइंटायर एक इंटरव्यूअर के साथ खड़े हुए थे, तभी रैंडी ऑर्टन ने फिर से पीछे से आके ड्रू मैकइंटायर पर अटैक करा और उन्हें आज की तीसरी पंट किक भी दे डाली। ड्रू मैकइंटायर इसके बाद पस्त हो गए और फिर वो नहीं उठ पाए। फिर उन्हें एम्बुलेंस में ले जाया गया और बताया गया कि वो इंजर्ड हैं। अब बात आती है रेट्रीब्यूशन की, जिसने आज के रॉक के एपिसोड में एक बार फिर से आके सुपरस्टार को निशाना बनाया, जिसमें रे मिस्टीरियो और उनके बेटे डोमिनिक शामिल थे। इन सभी ने जम के इन दोनों बाप बेटे को मारा। अब आज रेट्रीब्यूशन के लिमिटेड मेंबर ही देखने को मिले, जो कि शायद काउंटिंग में 6 थे। अब इस ग्रुप में पहली बार कोई ऐसा दिखा जो कि आज से पहले नहीं दिखा था। उसकी बॉडी लैंग्वेज, खड़े होने का स्टाइल और जिस तरह से रोमन रेंस अपने ट्राउजर को शूज में टक करते हैं, बिल्कुल वैसे ही एक मेंबर यहां देखने को मिला, जो कि शायद साफ साफ दिखाई दे रहा था कि ये इन सब का लीडर है और वो बिल्कुल रोमन रेंस की तरह लग रहा था। वहीं आज जो 6 मेंबर दिखाई दिए उसमें से 2 मेंबर सबसे तगड़े सुपरस्टार लग रहे थे, जो कि शायद पहले इस रेट्रीब्यूशन टीम के साथ नहीं दिखाई दिए हैं। अब तो मुझे काफी हद तक चांसेस लगने लग गए हैं कि लीडर कोई और नहीं बल्कि रोमन रेंस ही हो सकते हैं। वहीं रेट्रीब्यूशन ने पहले भी दोनों ब्रांड में जाके तमाशा करा है, बट ये मेंबर पहले हमें देखने को नहीं मिले हैं। बट समरस्लैम में रोमन रेंस की वापसी के बाद ही ऐसा नकाबपोश मेंबर इस फैक्शन में दिखाई दिया है। वाकई ये काफी चौंकाने वाला होगा फैंस के लिए, और मे बी आने वाले टाइम में जब ये लीडर अपना मास्क उतारें तो उसमें से रोमन रेंस का ही फेस दिखाई दे। अब हो सकता है कि WWE जानबूझकर उस मेंबर को रोमन रेंस की कुछ स्पेशल थिंग्स के साथ दिखा रही हो, जिससे फैंस को लगे कि हाँ वो रोमन रेंस हैं, बट अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। उम्मीद है WWE जल्दी इन मेंबर्स का फेस रिवील करवाएगी। तो फ्रेंड, ये थी आज हुए रॉ के एपिसोड से जुड़ी 2 धमाकेदार चीजें जिसे देखकर फैंस को वाकई मजा आ गया होगा। वैसे आपको इस बंदे को देखकर क्या लगता है, ये रोमन रेंस हो सकता है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।